सवाल यही है कि आखिर ऋतु को मुक्ति कब मिलेगी। कन्नौज की ऋतु का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। एक महीने तक ऋतु का शव इंसाफ का इंतजार करता रहा। 19 अप्रैल को नोएडा में इसकी मौत हुई और 20 अप्रैल को उसके शव को नेचुरोपैथी के तहत मिट्टी में दबाकर रखा गया। यानी एक महीने तक ऋतु का शव ऐसे ही रहा। इस शव को भी इंसाफ का इंतजार है और ऋतु के पिता कह रहे हैं कि जब तक दोषियों को सजा नहीं किया गया नहीं दी जाती तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ऋतु के पिता कब्र बनाकर शव की रखवाली कर रहे हैं। ऋतु नोएडा में रहा करती थी। 19 अप्रैल को उसने 17वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। अगर खबरों की माने तो ऋतु की खुदकुशी के लिए उसी के साथी जिम्मेदार है। 33 दिन बाद पिता को अब भी इंसाफ का इंतजार है। चार सहेलियां सलाखों के पीछे हैं लेकिन एक आरोपी अभी तक फरार है। तो पिता ने कसम खाई है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक बार पोस्टमार्टम हो चुका है लेकिन इस रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम होने के तरीके से पिता संतुष्ट नहीं है क्योंकि माता पिता को और घर वालों को खबर किए बगैर पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। आरोप है पिता का कि ये सुसाइड नहीं है, ये सामान्य मौत नहीं है बल्कि उसको मारा गया है और इसीलिए अब ऋतु के शव को कब्र में दबाकर पिता बैठे हुए हैं। 30 दिन बीत चुके हैं और अभी तक इंसाफ का इंतजार है। तो नेचुरोपैथी के जरिए अपनी बेटी के शव को एक महीने से संभाल कर पिता रखे हुए हैं लेकिन खुलकर इस विधि के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। उनका कहना यह है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो एक साल तक अपनी बेटी के शव को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने पिता अपने पूरे गांव का नाम रोशन करने ऋतु यादव कन्नौज से नोएडा जरूर पहुंची थी लेकिन अचानक से उनके पिता को फोन आता है और ये पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। मौके पे पहुंचते हैं, पता चलता है पोस्टमार्टम भी हो गया है, वो शरीर को वापस लेकर आ जाते हैं और उसके बाद अभी तक उस शरीर को वैसे ही संभाल कर रखा है। पिता विशंबर डॉक्टर विशंबर जो है वो नेचुरोपैथिस्ट है और एक महीने से ऊपर का वक्त गुजर चुका है और ऋतु के शरीर को वैसे ही प्रिजर्व करके उन्होंने रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि घटना हुई 19 अप्रैल को और आज तक शरीर वैसे ही रखा हुआ है, आपने गिरफ्तारियां भी हुई कुछ लेकिन आप संतुष्ट? हाँ मैं संतुष्ट इसलिए नहीं, जो आईओ वहाँ दरोगा वहाँ प्रशासन जो कह रहा है कि बेटी 17 मंजिल से आत्महत्या खुद किया है, तो मुझे आत्महत्या नहीं है, उसका मर्डर किया गया है। वो पूरी साजिश के तौर में मर्डर किया गया। कोई 17 मंजिल से बॉडी गिरेगी तो उसकी कंडीशन और स्थिति क्या होगी? यस घर का, तो मुझे या तो सीबीआई जांच चाहिए, पहली बात तो अभी आया है, और या तो इसकी सही पूरी तरीके से मुलजिम को 307 लगाना चाहिए और मुलजिमों के साथ कोई भी चीज को पूछताछ नहीं की जा रही है। वहीं पे जो विशाल नाम का लड़का था, आज तक पुलिस ने ना तो एसपी साहब ने ना तो आईओ ने ना तो वहाँ का जो एसओजी हैं जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने उस लड़के से ये भी नहीं पूछा कि तुम वहाँ पे क्या करने गए थे। बहुत बड़ा जो सेशन मजिस्ट्रेट ने जमानत को खारिज किया उसने सिर्फ एक बेस पे जो लड़का वहाँ पे खड़ा था आईओ ने नहीं बताया लेकिन जो सुसाइड लेटर के हिसाब से ने 2.5 घंटे बयस होने के बाद मजिस्ट्रेट ने जमानत को खारिज कर दिया कि मैं जमानत को नहीं दे सकता हूँ। विपर ये बताइए कि शरीर को एक महीने से ऊपर आपने प्रिजर्व करके रखा है, क्या सामग्री अंदर डाली और कितने वक्त तक ऐसे ही प्रिजर्व करके रख सकते हैं? इसको छोड़िए, बहुत अभी तो उसके साथ तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अगर मैं इसको अपनी विधि के द्वारा जो ऑल इंडिया बर्ड में जो नेचुरोपैथ चलता है अगर उसके विधि के द्वारा अगर हम इसको प्रिजर्वेटिव अब भी कर देंगे तो ये बॉडी में एक साल तक ऐसे रखा रहूंगा। अभी जो आपने किया है उसके मुताबिक कितने वक्त तक ये बॉडी ऐसी प्रिजर्व करेगी? बॉडी ऐसी बनी रहेगी। अभी अगर हम बीच में देखेंगे अगर हमारा समाधान नहीं होता, सीबीआई हमको परमिशन नहीं मिल पाता है तो इसको मैं और चीजें इसके अंदर डाले जाते हैं उसको डाल को फिर प्रिजर्वेटिव कर देंगे बॉडी को। एक और बहुत अहम सवाल है कि आप हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म में बॉडी शरीर पार्थिव शरीर को इस तरह रखना ठीक नहीं माना जाता।
अगर किसी चीज को न्याय नहीं मिलता है, अगर यही मिट्टी को हम बताइए अगर दफन कर देते तो आज हमारे मेरी बेटी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मेरी बेटी का जो भविष्य है, इसको भरपाई कौन करता? आप बताइए कौन न्याय दिलाता? जिस बेटी को कंप्यूटर सीएस ब्रांच से आज दूसरे साल में ये बेटी अगर जाती तो इस बेटी को 50 लाख रुपए का पैकेज मिलता वहां से। सोच के देखिए सर, 2 साल से बेटी हमारी दलिया खाती थी, शाम को उसने रोटी नहीं खाई है। ये जब पिताजी के आंसू निकलते तो आपको पहचानना मुश्किल पड़ जाएगा। 2 साल से सिर्फ रोटी नहीं खाई, दलिया खाती। पापा मुझे पढ़ाई करना, मुझे अमेरिका जाना है। कह रहा पापा IBM में करवा देना, 40,000 रुपए फीस ज्यादा पड़ेगी। मैंने कहा बेटा मैं करवा देंगे, कितना पैसा लगेगा मैं पैसा लगाऊंगा। मेरी बेटी कहती पापा एक ही साल में सारा पैसा मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। आज वहां का पुलिस प्रशासन इस तरीके से खड़ा है कि बिल्कुल हमारी बात सुनने के लिए ही नहीं तैयार है। दरोगा तो हमको ऐसे घुमा रहा है जैसे बिल्कुल ये जैसे नहीं कुत्ते कौए की मौत हो गई हो। हमने दरोगा जी होश में आ जाइए कि आपको 17 बॉडी गिरी हुई दिखा रही है, आपको किस कैटेगरी में दिखा दे रही है बॉडी? ये चोट, इसके निशान, आपको इस पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। बॉडी गिरेगी कि हाथ पैर चलेंगे? आप फिंगरप्रिंट को क्यों नहीं बुलाया था वहां पे? निश्चित तौर पर कोताही बरती गई है। और डॉक्टर विशंबर हमारे साथ थे, आंखें छलकाई बताते बताते किस तरह से कठिनाइयों से अपनी प्यारी बेटी को भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से उसकी मौत की खबर सामने आई है। और इनका कहना है कि शरीर को 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक प्रिजर्व कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से जो भी उन्होंने सामग्री डाली है उसको बताने से जरूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बॉडी तब तक प्रिजर्व करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता है। और जो ऋतु के मौत की सही कहानी है वो पुलिस नहीं बाहर निकालती है, वजह नहीं निकालती है आखिर किन कारणों की वजह से किस तरह ऋतु की मौत हुई थी। कैमरामैन अमित सहानी के साथ अभिषेक सिंह, कन्नौज, समाचार प्लस। तो इंसाफ के लिए ये दर्द भी सहने को मजबूर है एक पिता, और तैयार भी है, लेकिन बताते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर नेचुरोपैथी होती क्या है। चिकित्सा का दर्शन नेचुरोपैथी को कहा जाता है। नेचुरोपैथी को औषधि विहीन उपचार पद्धति भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दरअसल प्रकृति के सामान्य नियमों के पालन पर आधारित है और इसका आयुर्वेद से भी बेहद करीबी संबंध माना जाता है। रोगों का उपचार और स्वास्थ्य लाभ का आधार नेचुरोपैथी है। रोगाणुओं से लड़ने की शरीर की स्वाभाविक शक्ति को नेचुरोपैथी कह सकते हैं। जल चिकित्सा, होम्योपैथी, सूर्य चिकित्सा सब नेचुरोपैथी में ही समाहित है। मृदा चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और ये तमाम जो पद्धतियां हैं ये भी नेचुरोपैथी के ही अंतर्गत आती है। दरअसल एक बेटी का पिता सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। ये कौन से सवाल है वो भी हम आपको दिखा दें। सबसे पहला सवाल तो यही कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन से पिता पूछ रहा है कि आखिर मेरी बेटी के साथ क्या हुआ और इसकी मौत के बाद जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, आनन फानन में पोस्टमार्टम क्यों कर दिया गया, घर वालों का इंतजार आखिर क्यों नहीं किया गया और किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है, क्या छिपाना चाहता है कॉलेज प्रशासन और किस बात का कॉलेज प्रशासन को डर है। ये तमाम सवाल है जो एक पिता पूछ रहा है इंसाफ के लिए।